सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में 7 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। इस समापन अवसर पर आमंत्रित स्मृति शांगलू ने छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा के सिखाए गुण। दुर्ग के सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय कराटे प्रशिक्षण कार्यशाला में छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा कर अपने आप को बचाने के गुण सिखाए गए। इस अवसर पर प्रशिक्षण के लिए कराटे प्रशिक्षक रजनी मिश्रा रोंगटा कॉलेज भिलाई को आमंत्रित किया गया था। वही कराटे प्रशिक्षण के अंतिम दिन पुलिस अधीक्षक पूनम सिंह विशेष अतिथि रही एवं ब्लैक एवं रेड बेल्ट प्राप्त स्मृति शांगलू प्रयागराज से आमंत्रित हुई। अतिथि पूनम सिंह ने छात्राओं को आत्म सुरक्षा के लिए प्रेरित किया एवं उत्साह वर्धन किया। स्मृति सांगलू ने कराटे प्रशिक्षण में प्रयोग की जाने वाली बुनियादी एवं महत्वपूर्ण तरीके की प्रयोग की जानकारियां दी। स्मृति सांगलू ने कहा, मन से डर भगाने के लिए सजगता एवं आवाज उठाने की बात की तथा आत्मरक्षा के लिए उन्होंने बुनियादी एवं महत्वपूर्ण तरीकों की जानकारियां प्रदान की। बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में 7 दिवसीय महिला सुरक्षा आत्म सुरक्षा का एक कराटे प्रशिक्षण की कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें कि पहले दुर्ग शहर से रचना मिश्रा ने बच्चों को प्रशिक्षित किया, फिर आज अंतिम दिवस पे हमने प्रयागराज से रेड बेल्ट एकेडमी की जो डायरेक्टर है स्मृति शलांगू जी, उनको आमंत्रित किया और उनके द्वारा महिलाओं को जो आत्म सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उनकी बारीकियां बताई जा रही हैं। और ये जो कार्यक्रम है IQAC के तहत सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में कराया जा रहा है, और इसमें जो प्रशिक्षक जो हैं उन्होंने बहुत ही बारीकी से विद्यार्थियों को बताया है कि आत्म सुरक्षा, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई साधन नहीं है तो बिना साधन के भी आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आप मुकाबला करके आसानी से निकल सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ये सेल्फ डिफेंस का कैंप है जो एक हफ्ते के लिए यहाँ पे बद्रीलाल खंडेलवाल कॉलेज में किया जाता है, और इसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के प्रति सजग करने के लिए ये कैंप होता है। और जिसमें मैं ये दूसरी बार है जब मैं आई हूँ, और पहली बार मैं 1 साल पहले आई थी, तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियों को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि उन्हें ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज की स्थिति के हिसाब से ये चीज़ें सब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस और आत्मरक्षा करना आना चाहिए। तो इस बार और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के लड़कियाँ हिस्सा ले रही हैं इसमें, इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे वो अपने आप का बचाव करेंगी अगर किसी भी अवांछनीय स्थिति में वो फंस जाती हैं। तो एहसास होना चाहिए कि उसके बचाव के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, उसको अपना बचाव खुद ही करना है अगर वो किसी भी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाती है। तो ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।